नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम व्याकरण में संज्ञा कर रहे हैं। तो जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कई चीज़ों को दिख रही हैं, उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। यही नाम उनकी पहचान होती है कि आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे मोर, तोता, कोयल, सीटी, शेर, जंगल, फिर सेब, संतरा, चरखा, ये सारे क्या हैं? यही नाम इनकी पहचान है कि यही नाम क्या है, इनकी पहचान है। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, स्वभाव आदि की पहचान उनके नाम से होती है, जिसे संज्ञा कहते हैं। कि जिनकी पहचान उनके नामों से होती है, तो जो नाम होते हैं वह क्या होते हैं? वह सब संज्ञा होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको ऊपर ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्राणी भी है, जैसे मोर हो गया, इसमें वस्तु भी है जैसे टोकरी है, स्थान भी है जैसे जंगल है, आश्रम है, और इसमें भाव भी हैं। तो ये सारे क्या नाम, ये सब क्या हैं? जैसे सर्दी हो गया, तो सर्दी एक फीलिंग हो गई कि सर्दी लग रही है, तो यह सब क्या हैं? यह सब संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लोग हमें नाम से जानते हैं। सभी लोगों के कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, कि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, अपने आसपास जो आप देख रहे हो उसका भी नाम है, यहाँ तक कि मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल का भी नाम है। सजीव और निर्जीव सबका नाम संज्ञा होता है। कि सजीव क्या होते हैं? जिसके अंदर प्राण होते हैं, जैसे मैं हूँ, तुम हो, आप हो। और निर्जीव जैसे टोकरी हो गई, चरखा हो गया, तो यह क्या है? यह इनका भी नाम है। तो यह भी क्या है? यह भी संज्ञा होती है। कि चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, सब क्या है? सब संज्ञा है। जैसे नाम तरह तरह के होते हैं, व्यक्तियों के नाम, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, की व्यक्तियों के नाम। और प्राणियों के नाम, प्राणियों में जिनके अंदर प्राण है, व्यक्तियों में तो व्यक्ति आ गई ये, ठीक है ना, जैसे हम हैं, तुम हो, ये व्यक्ति है। प्राणियों में जैसे शेर हो गया, सांप हो गया, भेड़ हो गया, बछली, मछली है, यह सब क्या है? यह प्राणी है, क्योंकि जिसके अंदर प्राण होता है उसे वह कौन होता है? वह प्राणी होता है। फिर हमने परिभाषा में पढ़ा था वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम क्या होते हैं? जिनके अंदर प्राण नहीं होते, जो निर्जीव होती हैं, जैसे कार, गमला, माला, कुर्ता, यह सब क्या है? यह वस्तु हैं, क्योंकि इनके अंदर प्राण नहीं है। फिर है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम जैसे मंदिर, मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मंदिर क्या हो गई? जगह हो गई। रेलवे स्टेशन, विद्यालय, चिड़ियाघर, यह सब क्या है? यह सब क्या है? यह सब स्थानों के नाम है। फिर है भावों के नाम। भावों के नाम क्या है? खुशी, कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो खुशी क्या हो गया? भाव हो गया। विनम्रता, विनम्रता क्या होती है? मतलब किसी को आराम से बात करना। लड़ाई, तो लड़ाई भी क्या है? भाव है। मिठास, आम के आप मिठाई खा रहे हो, आपको मिठास का अनुभव हो रहा है, तो यह सब क्या होती है? यह सब क्या है? यह सब संज्ञा होती है। तो इस तरह से आज हमने संज्ञा के बारे में जाना है। फिर हमारा आज दूसरा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम, सबका नाम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं,
हम तुम आप यह वह आदि, यह सब क्या है? सर्वनाम है। जैसे मैंने अपने नाम की जगह मैं बोल दिया, तुम्हारे नाम की जगह तुम बोल दिया, आपकी मम्मी के नाम की जगह मैंने आप बोल दिया, तो यह सब क्या है? यह सब सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब आप ये देखिए, आपका यह इन वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग देखें कि जो आपको यह वाक्य दिया गया है इसमें सर्वनाम का प्रयोग देखिए। राहुल सुबह 5 बजे उठता है, राहुल रोज सैर करने पार्क जाता है। कि राहुल क्या करता है? सुबह 5 बजे उठता है और राहुल रोज सर्व वो क्या करने जाता है? सैर करने जाता है। तो अब हम इनमें सर्वनाम का प्रयोग देखेंगे। जैसे राहुल सुबह 5 बजे उठता है, वह रोज सैर करने पार्क जाता है। अब देखो, राहुल की जगह हमने क्या बोल दिया? वह। तो वह क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया है। अब एक दूसरा वाक्य देखिए, शानू को इनाम में पेन मिला, शानू को 4 पुस्तकें भी मिली कि उसे इनाम मिला, वेरी गुड, और उसे साथ में क्या मिले? उसे पुस्तक भी मिली। तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग देखिए, शानू को इनाम में पेन मिला, उसे 4 पुस्तकें भी मिली। तो शानू की जगह हमने क्या बोल दिया? उसे बोल दिया। तो जो भी आपको ये रेड कलर का वह उसे दिखाई दे रहा है, वह क्या है? वह सर्वनाम है वे। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है, संज्ञा की तरह ही इसका भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। कि जैसे आपकी संज्ञा होती है एक वचन बहुवचन, उसी प्रकार सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो पहले सर्वनाम समझ में आया कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने नाम की जगह मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे नाम की जगह मैं तुम बोल रही हूँ, तुम्हें बोल रही हूँ, तो यह सब सर्वनाम है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे इसके सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन के बारे में। जैसे आप यहाँ सर्वनाम शब्द देखिए, एक वचन मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तुम का आप, मुझे हमें, जिसे जिन्हें। कि एक एक व्यक्ति के लिए हम ये वाले बोलेंगे मैं, और बहुत एक से ज़्यादा के लिए हम। तुम के लिए तुमको आप, जिसे जिन्हें, किनका किसका किनका। अब एक वचन में यह है तो इसका बहुवचन क्या होगा? ये। यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तकें मेरी है, वह मेरा भाई है, वे मेरे मित्र हैं। तो इस तरह से मुझसे हमसे, किसी ने किन्हीं ने, जिसने जिन्होंने, इसे इन्हें, उसे उन्हें, जिससे जिनसे, मेरा हमारा, इसने इन्होंने, इसने मुझे मारा। तो इसका बहुवचन में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? इन्होंने मुझे मारा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से ही ये एक वचन और बहुवचन आपके सर्वनाम है। फिर अब और जानते हैं क्या है। अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम आएंगे, हम खाएंगे, मेरा काम हो गया, हमारा घर यहाँ पर है। तो अपने लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको भी कई बार तुम बोला है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो जिससे हम बात कर रहे हैं उनके लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए, वह, उसे, उनका, उन्हें, उन्होंने का प्रयोग, आदि शब्दों का प्रयोग क्या कर प्रयोग करते हैं। जैसे जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, जैसे वह कहाँ गया, वे कहाँ गए, उसे बुला लाओ, तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर है कौन, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम है। जैसे पटना कौन गया, तो कौन गया मतलब कोई तो व्यक्ति है ना, तो वो क्या है? सर्वनाम है। कौन, कोई, क्या भी
सर्वनाम है जो, हाँ जो है पर्सन वाचक सर्वनाम। कोई बाहर जा रहा है, अब कोई भी कोई तो है ना बेटे, तो वो भी क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या लिख रहे हो तो यह भी क्या है पर्सनवाचक सर्वनाम है। पर्सनवाचक सर्वनाम की पहचान होती है कि इसमें क्या लगता है, पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगता है। तो इस तरह से आज हमने, आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा है, आज की कक्षा में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जाना है। अब आपका गृह कार्य है कि आप जल्दी से संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखोगे और मुझे दिखाओगे। धन्यवाद बच्चों, अब हम आपसे अगली कक्षा में